बाबा नन सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नन सिंह जी की। नानक सर कलेरा को वापसी। अब यहाँ से आसन उठाने का समय आ गया था। सो कलेरा की मुख्य संगियों सरदार रत्न सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, भाई नत्या सिंह वगैरह को अनोखी प्रेरणा हुई। वे लेने के लिए हाजिर हुए। इलाके के सेवक संगियों एवं और सभी संगतों को बहुत बहुत खुशियाँ बख्श कर बाबा जी जलावे की तरफ चल पड़े। रास्ते में एकाध दिन सारसागी के गुरुद्वारे में रुके हुए, जहाँ कभी गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए थे। उपरांत डेरे पर पहुँच गए। अब पतिशारात संगतों के तपे हृदय को शांत किया। शीघ्र ही वैसाखी का पर्व आ गया और आपके नियम अनुसार स्थानीय संगत सहित श्री दमदमा साहिब के दर्शन के लिए पहुँचे और आते जाते रास्ते की संगत को कृतार्थ किया। गर्मियों की यह ऋषि मालवे में ही व्यतीत की। उधर उस समय श्री तरनतारा के महान सवे सरोवर की कार सेवा शुरू हो चुकी थी, तो संगत सहित अमृतसर की ओर चल पड़े। श्री तरनतारा पहुंचकर कार सेवा में भाग लिया। अब पवित्र गार को टोकरियां आप उठाकर बाहर फेंकी। संत बाबा गुरुमुख सिंह जी के साथ जिन्होंने कार सेवा प्रारंभ की हुई थी, प्रेम भेंट हुई। संगियों ने भी सेवा की। इस कुंभ में हिस्सा डाला, दीवान सजाया, रागी जत्थे ने कीर्तन किया। बाबा जी ने बानी की और फिर दरबार साहिब से खुशियाँ प्राप्त करके उसी रास्ते वापस चले गए। सुबह का दीवान फिर नहर के नज़दीक सजा, जिसमें चुनिया के सरदार खुशाल सिंह ने भाई चंदा और फेज प्रसिद्ध रागियों से कीर्तन करवाने का प्रबंध किया। सरा सुंदर सिंह मजीतिया ने हाजिर होकर कोटी में चरण डालने की विनती की। पहले तो यह कह कर जवाब दे दिया कि फकीरों का कोठिया में जाने का क्या काम, पर सरदार का प्रेम देखकर थोड़ा समय देना मान गए और जल पान करने की सेवा बख्शी। इस अवसर पर जब बाबा जी अकाल तख्त पर गए, तो साथ गई संगत जो जोरड़ा के जिम्मेदारों को थी, चादरें ओढ़ देखकर अकेली पहरेदारों ने तख्त साहिब चढ़ने से संगत को रोक दिया। तो बाबा जी ने फरमाया कि हमारे सभी साथी अमृतधारी है, और संगियों को जोर से आवाज़ लगाकर कहा, भाई जिस जिसने अमृत चखा हुआ है वो हाथ खड़ा कर दे। सभी अमृतधारी थे, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। फिर सभी की चादरें वहाँ ही उतरवाई। सभी के नीचे कचरे पहने हुए देखकर प्रबंधित हैरान हुए और सभी को ऊपर चढ़ाकर दर्शन करने की आज्ञा दे दी। बाबा जी ने ऐतिहासिक शास्त्रों के दर्शन किए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संबंधी सेवादारों को सुख बख्शी। श्री तरनतारा की कार सेवा अभी समाप्त नहीं हुई थी कि लगभग 35 वर्ष का जिम्मेदारी सिंह बाबा जी के पास आने को रोया कि उसको कर्म रोग भाव कोहट पड़ गया है, उस पर बख्शीश की जाए। उसकी विनती सुनकर बाबा जी ने वचन किया कि भाई गुरु किया की मर्यादा बंधी हुई है, श्री तरन तारा जाओ, वहाँ कार सेवा लगी हुई है। जितनी सेवा करोगे, टोकरियाँ उठाओगे, उतनी जल्दी ही रोग काटा जाएगा। बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए वह तरन तारा साहेब गया, सेवा की और महीने के अंदर अंदर वह ठीक हो गया। धन गुरु नानक। अब 1932 चढ़ चुका था। माझे की संगत की अरदास आ रही थी। माघा के महीने के अंतिम दिन थे कि
कि प्रदन 20 संगियों के जत्थे साहिब, बाबा जी बिना किसी स्थानीय संगत को सूचन किए दोपहर के बाद चुनिया पहुंच गए। ठिकाना इस बार भी बिशानाथ के स्थान पर करने का विचार किया। लाला धनपल राय इत्यादि को पता लगने की देर थी कि उन्होंने स्नान करने का सामान टब्बा देगबर लकड़ी नीचे परली बिछाड़ी के लिए 2 घंटे जरूर बिस्तर, संगत के चखने के लिए दूध की एक गागर, कुछ मिठाई लाटेंगे, चार्च आदि जरूरत सामान लेकर पहुंच गए। बाबा जी का आसन चौबारा पर था। बाबा जी यह प्रबंध देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता में बाबा जी ने धनपत राय के कंधे पर सोटी रखकर फरमाया, तूने कमरकस खुलवाया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी तरफ से बाबा जी की तबीयत में इतनी सादगी थी कि यह ठहरने के समय तकिए की जरूरत पड़ी तो एक बोरी में पुरानी निकमी तूड़ी भरवाकर साध लिया और रुई का सिराना बनाने की आज्ञा ही न दी। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। अगले दिन सारे गांव में बाबा जी के आने का पता सबको लग गया और संगत तो मैं दर्शनों के लिए आने की होड़ सी लग गई। आसपास जहाँ जंगल था, रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ नई नई पगड़ी पड़ गई और जंगल में मंगल दिखने के लगे। संगत बहुत आने लगी। बाबा जी ने विचार प्रकट किया कि यह कुटिया बना दी जाए। ऐसा सुनते ही सारी संगत बहुत उत्साहित हो गई। शीघ्र ही सेवा शुरू हो गई। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।